नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग आजकाल पढ़ चुके हैं। आजकाल को प्रारंभिक काल कहा जाता था, चारण काल कहा जाता था, सिद्ध सामंत काल कहा जाता था, अलग अलग नामों से जाना जाता था। आप पहले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। फिर दूसरा वीडियो पढ़े मध्यकाल, मध्यकाल के बाद हम लोग पढ़े फिर उसके बाद उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल के बाद उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है, रीत काल भी कहा जाता है। और उत्तर मध्यकाल के बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आधुनिक काल। सबका काल विभाजन हुआ है 650 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक के काल विभाजन को हम क्या कहते हैं, आदिकाल। आदिकाल से आगे बढ़ते हैं पूर्व मध्यकाल 1350 से 1650 पूर्व मध्यकाल, 1650 से 1850 उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल के बाद जब बात करते हैं आधुनिक काल के तो 1850 से लेकर के अब तक के काल को क्या कहते हैं, आधुनिक काल। लेकिन आधुनिक काल में अलग अलग स्थिति में छोटे छोटे काल खंडों में बांट दिया गया था। यह उसलिए बांटा गया था उस समय पे फेमस या मशहूर हुए कवियों के हिसाब से उसे अलग अलग कालों में बांट दिया गया था। जैसे पहला काल आता है जो 1850 से लेकर के 1900 तक का काल होता है, उस काल कहते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद दूसरा काल आता है जो भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग आता है 1900 से लेकर के 1920 तक। इसी बीच में 1918 से किसी किसी बुक में 1918 देता, किसी किसी बुक में 1920 देता है। तो 1920 से लेकर के 1936 तक या 1918 से लेकर के 1936 तक के काल विभाजन को छायावाद काल कहते हैं। छायावाद काल के बाद आता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताओं का काल आता है जो 1951 से अभी तक चलता है। तो इस तरह का सारा समरी। लेकिन हमारा जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन में जो प्रश्न पूछा जाता है, चूंकि एक आध्यात्मिक है तो जो कंपटीशन का प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि हमें बताना होता है कि भारतेंदु युग में कौन से कवि थे। पहला प्रश्न यूं बनता है कि निम्न में से भारतेंदु युग का कवि है, तो चार ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से छांटना पड़ता है। फिर पूछ लेता है निम्न में से कौन सा ऐसा जो द्विवेदी युग का कवि है, निम्न में से कौन सी ऐसी रचना है जो छायावाद की रचना है, या उन्हीं कवि की रचना पूछ लेता है, किन कवियों की रचना। तो यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कि हम इसको ओवरव्यू देखें और वह चीजें याद करें जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन उस रचनाओं में उन्हीं रचनाओं को सबमिट किया गया है, लिया गया है, जो रचनाएं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई हैं। यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इन्हें देख लेंगे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि वीडियो लास्ट है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें। यहाँ पे यूपी TSSC बीएड और यूपी पुलिस के हिंदी GS और रीजनिंग की क्लासेस सुचारू रूप से चलाई जा रही है। दूसरी बात कर लेते हैं उसी के साथ लगे हुए कि जब इन वीडियो का पूरा देख लेंगे तो इसके बाद एक ऑल इन वन करके वीडियो मैं दूंगा आपको, जिसमें ये कम से कम हिंदी साहित्य के 200 से 300 प्रश्न जो पूछे गए उनको सबमिट करूंगा एक साथ इसी पे, तो जिसे मास्टर वीडियो भी कह सकते हैं। तो उसे मैं आपको दो एक दिन में प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए, कोई लिटरेचर की क्लास नहीं है, तो लिटरेचर की क्लास नहीं, हमें कंपटीशन की क्लास के हिसाब से पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि हम भारतेंदु युग डाल दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में लिखवाएं, उनके पिता, उनकी जन्मतिथि, ये सब बहुत मतलब नहीं बनता है। मतलब हमको डायरेक्ट निकालना है उनकी रचनाएं और कवियों से। तो शुरू करते हैं। भारतेंदु युग का काल विभाजन, जैसा कि हमने आपसे बताया कि आधुनिक काल को 1850 से लेकर के अभी तक के काल को कहते हैं। भारतेंदु युग का काल विभाजन जो कि अलग अलग छोटे छोटे कालखंडों में बांटे गए हैं, उन कालखंडों में 1850 से लेकर के 1900 तक, यानी 50 साल के कार्य को, 50 साल के कार्य को क्या कहा जाता है, भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु युग किसके नाम पे पड़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे भारतेंदु युग का नाम रखा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में जो कवि थे वो कवि कौन कौन से थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। फेमस कवियों की बात हो रही, प्रताप नारायण मिश्र थे, अंबिका दत्त, तो ये तीन लोग थे, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और अंबिका दत्त। अब क्या पूछा जाता है कि इनकी रचना बताइए। अब तीन अगर मिल जाएंगे तो हम टिक कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इनकी रचना बताइए। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम मालिका है, प्रेम सरोवर है, विनय प्रेम पचासा है, दशरथ मिलाप फूलों का। तो इनका सारे में देखिए एक चीज कॉमन है, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फूल, प्रेम फूल, दशरथ मिलाप फूलों का गुच्छा। तो इसमें दो चीज कॉमन मिलेगी आपको, प्रेम 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 आपको कॉमन मिलेगा। थोड़ा सा अगर गेस करने के लिए आप याद कर लिए, हालांकि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फूल,
दशरथ मिलाप इसे 4-5 बार पढ़ेंगे ऐसे ऐसे क्रम से, तो धीरे धीरे याद हो जाता है। फिर चलेंगे, देखिए यही पे कंफ्यूजन हो गई, चूंकि इनमें भी प्रेम प्रेम है और उनके बाद प्रताप नारायण मिश्र भी आए तो उनमें भी प्रेम, पुष्पावली मन की लहर लोकोक्तियां, प्रेम पुष्पावली मन की लहर लोकोक्तियां। तो प्रश्न इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, प्रेम पुष्पावली, और कंफ्यूजन के कारण प्रेम के चक्कर में हरिश्चंद्र को लग जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। लेकिन याद रखना है प्रेम पुष्पावली किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का। और अंबिका दत्त का क्या है, पावस पचासा सुकवि सत्, सुकवि सत, तो इनका दो है, पावस पचासा और सुकवि सत, तो इन्हें याद रखेंगे, सुकवि सत और पावस पचासा। बात करते हैं द्विवेदी युग, द्विवेदी युग जो कि 20 सालों का है, 1900 से लेकर के 1920 तक का। द्विवेदी युग में बात करेंगे दो तरह के खंड काव्य पाए जाते हैं, एक प्रबंध खंड काव्य जो द्विवेदी जी को कविताओं को बहुत प्रबंधित कर देते, और कविताएं उनके प्रबंधन में बनती थी, उनकी देख रेख में बनती थी, तो कोई चीज ऐसे नहीं लिख दिया जाता था। उसके बाद आता है छायावाद, सब पे थोड़ी सी नम्रता व्यक्त की जाती, फिर प्रयोगवाद आ जाते हैं, अलग अलग प्रयोग प्रगति होती रहती है। लेकिन यहाँ पे दो हो गए, प्रबंधन का कुछ प्रबंध काव्य लिखे गए जो कि उनके देख रेख में लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे थे खंड काव्य लिखे गए, कभी वही है जो रहने थे, दोनों वही काम करते थे। जैसे भारत यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, इनका नाम पूछा जाता है कि हरिऔध किसका नाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पूरा नाम क्या है, हरिऔध जो लिखा गया इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और यहाँ पे गुप्त लिखा है, इनका नाम होता है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, और इनका पूरा नाम लिखा है बालकृष्ण भट्ट, और एक है राम नरेश त्रिपाठी। तो चार कवि इसमें भी याद रखने आपको, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा और राम नरेश त्रिपाठी। अब इनके क्या याद रखनी है? हमको कृतियां याद रखनी, जैसे क्या करना है आपको, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृतियां क्या है, प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, रस कलश है, रस कलश, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये जो रस कलश है प्रबंध काव्य में नहीं है, बल्कि प्रिय प्रवास वैदेही वनवास ये क्या है, प्रबंध काव्य में है। तो ये दोनों प्रबंध काव्य है, रस कलश प्रबंध काव्य में नहीं है। दूसरा बात करते हैं, अच्छा मैत्री शरण गुप्त की सबसे फेमस रचना आपसे बहुत बार पूछी जाती है, यशोधरा है, साकेत है, तो ये दोनों बहुत ज्यादा पूछी जाती है, प्रबंध काव्य हैं, तो याद रखना साकेत और यशोधरा किसकी है, मैत्री शरण गुप्त की। और मैत्री शरण गुप्त की सबसे ज्यादा प्रसिद्धि कहाँ से मिली, भारत भारती से, भारत भारती से उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। तो भारत भारती, विष्णुप्रिया और द्वापर, भारत भारती, विष्णुप्रिया और द्वापर। और एक चीज और है यहाँ पे, रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वध, ये दोनों तीन खंड काव्य हैं, रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वध, तो आपको याद रखना है रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वध, भारत भारती, विष्णुप्रिया, द्वापर, साकेत, यशोधरा, या ऐसे कर लीजिए साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, रंग में भंग, पंचवटी, भारत भारती, विष्णुप्रिया, द्वापर। तो इसमें एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे, भारती, प्रिया, यशोधरा तीन जो है एक जैसे नहीं स्त्रीलिंग के लग रहे हैं, बाकी द्वापर है, रंग भंग है और पंचवटी, पंचवटी भी देखिए स्त्रीलिंग का। तो आपको याद करने के लिए है कि आप इसको 2-3-4-5 बार पढ़ेंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। दूसरा है बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण शर्मा की एक रचना है जिसका नाम क्या है, उर्मिला। और उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी जी है, मिलन पथिक और स्वप्न, राम नरेश त्रिपाठी जी का क्या है, मिलन पथिक और स्वप्न। बात करते हैं छायावाद की, छायावाद जो कि कहीं कहीं किसी किसी बुक में 1918 से 1936 देता, किसी किसी में 1920 से 1936 देता, और मान लो हमने 1920 से लिखा है तो 1918 से 1936 के काल को क्या कहते हैं, छायावाद काल कहते हैं। छायावाद काल थोड़ा सा नर्म काल माना जाता है, यहाँ पे कविताएं लिखी जाती हैं, गद्य पद सब लिखे जाते हैं। इसमें बात करेंगे तो मुख्य कवि कौन है, प्रसाद है, यानी जयशंकर प्रसाद जी हैं, निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, पंत है, और कौन है, महादेवी वर्मा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, प्रसाद, निराला, पंत, चार कवि मुख्य हैं। तो चार कवि में सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का आपको याद होगा आंसू, लहर, झरना, उर्वशी, कामायनी, ये प्रेम पथिक, ये सब इनकी रचनाएं किसकी, जयशंकर प्रसाद की। कई बार पूछा जाता है आंसू, लहर, झरना, ये तो बहुत पीटा हुआ, कई बार पूछा गया है, बाकी कम पूछे जाते हैं लेकिन तब भी पूछा जाता है। और उसके बाद कामायनी भी पूछी जाती खूब, तो इनको याद रख लेंगे, अगर ऐसे 4-5 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, उर्वशी, लहर, आंसू, झरना,
कामायनी, प्रेमराज, प्रेम पथिक, अयोध्या का द्वार। तो याद करिए, आंसू नहर झरना और वसी, कामायनी, प्रेम पथिक, प्रेमराज, अयोध्या का द्वार, तो ये आपको याद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उसके बाद बात करते हैं निराला की, जिसे इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देते थे निराला, पूछता है कि इनका पूरा नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परमल, गीतिका, तुलसीदास। अनामिका, परमल, गीतिका, तुलसीदास। जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या होती है। तुलसीदास देखते हैं, सोचते हैं तुलसीदास अपनी जीवनी लिखे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसीदास की रचना किसने की है? निराला ने। तो अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास, ये सारी चारों रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आपको नाम रखना है यहाँ पे, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका पूरा नाम याद करना है। गुप्त दे देता है, गुप्त पुस्तक किसका नाम है, तो वो भी आपको याद रखना है। किसका नाम है? मैत्री शरण गुप्त का नाम पूरा है। उसी प्रकार से यहाँ प्रसाद पूछ लेता किसका नाम है, तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा प्रसाद किसका नाम, जयशंकर प्रसाद का। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। और उसके बाद पंत जी की रचना है बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी और ग्राम्या। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है बीड़ा और ग्राम्या, तो आपको याद रखना है बीड़ा और ग्राम्या किसकी रचना है? पंत जी की। और इनके बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी और ग्राम्या। महादेवी वर्मा जी की रचना आपको याद होगी, निहार रस, नीरजा और सांद गीत। जैसा कि आप जानते हैं कि यामा पे इन चारों का संकलन किसमें है? एक किताब में है, जिसका नाम क्या है? यामा। और यामा पे ही महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो महादेवी वर्मा की रचना है यामा, जिसके अंदर निहार रस, नीरजा और सांदगीत, इन चारों कविताओं का संकलन है। तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। ज्यादातर किसको पूछा जाता है? यामा को पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है यामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है उर्वशी, लहर, आंसू, झरना, कामायनी। उसके बाद यहाँ पे है बीड़ा, ग्राम्या और अनामिका में चलेंगे तो अनामिका में इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे गीतिका, परमल, मतलब तीनों इंपॉर्टेंट है। इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे प्रेम सरोवर, विनय, प्रेम पचासा, ठीक है, और इसमें कहाँ गया, हाँ, भारत भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारत भारती किसकी है? मैत्री शरण गुप्त को। और द्वापर, साकेत, यशोधरा, ये सब इम्पोर्टेंट हैं और कई बार कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। मेरे कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि इन्हें पूरा याद कर लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद के कालखंडों के कोई ऐसे फेमस कवि नहीं जहां से प्रश्न बने, तो उनकी हम कोई रचना या कोई कृति नहीं ली है। प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है और नई कविताएं हैं। अगले वीडियो का इंतजार करिए, कल या परसों आपको नई वीडियो मिलेगी जिसमें पूरा इसके सार जितने अभी तक आए हैं, लगभग 300 प्रश्न आए हैं, और कोशिश करूंगा 300 प्रश्न आपको 30 से 35 मिनट में प्रोवाइड करा दूं। अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए, दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।